नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई ओमान से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, हालांकि ओमान के इतने लोग ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अपडेट हम दे देते हैं आपको। कुछ लोग तो देखते हैं वीडियो को। तो भाई ओमान में पहले कोरोना अपडेट की बात कर लेते हैं। अगर सितंबर अगस्त की बात करें, 31 अगस्त तक के जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, उनमें से मात्र और मात्र 5000 केस पेंडिंग है। जी हाँ साथियों, 5000 केस पेंडिंग है लगभग, और रिकवर कर लिया गया। तो उस आंकड़ों के आधार पर सरकार ने कुछ, आपको पता है भाई, डील तो देनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे वर्कर हैं जो वहाँ फंसे हुए हैं। जो वहाँ फंसे हुए हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अपने अपनी कंट्रीज़ में, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बंगाल, कहीं पर भी बांग्लादेश कहीं पर फंसे हैं, वो लोग वापस कैसे जाएंगे? तो उनके लिए कुछ सहूलियत की है उन्होंने, और कुछ डिटेल से हम बात करेंगे वीज़ा फ्लाइट बारे में, टिकट के बारे में, वीज़ा रिन्यू के बारे में। पूरा वीडियो देखते रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो कर लें, ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। बता दूं भाई फ्लाइट से रिलेटेड, तो भाई फ्लाइट आपको पता है वंदे भारत 6 के तहत जो फ्लाइटें चल रही हैं वही हैं, बाकी तो कोई फ्लाइट नहीं चल रही है। उधर से लगभग इस महीने में 20 के करीब फ्लाइटें हैं वंदे भारत 6 में। ओमान से इंडिया के लिए खूब सारी फ्लाइटें हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आपका पहले से हो चुका है एम्बेसी में, तो उसके आधार पे आप कहीं से भी टिकट बना के इंडिया आ सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम बात कर लेते हैं इधर से फ्लाइटों के बारे में, इंडिया से ओमान के लिए। तो भाई एयर बबल्स के थ्रू कुछ फ्लाइटें इंडिया से जा रही हैं, जिसका समय समय पर शेड्यूल मिलता रहता है, उसके आधार पर आप टिकट बुक करवाते हो तो आपका नंबर आ जाएगा। बाकी मन मर्जी नहीं होगा कि जब मर्जी फ्लाइट टिकट बनाई और चले गए, ऐसा नहीं होने वाला है। एयर बबल्स के अकॉर्डिंग फ्लाइटें चल रही हैं। वैसे नॉर्मली फ्लाइटें चलने में तो भाई अभी हो सकता है वक्त लगे, जिस तरह से इंडिया में कोरोना अपडेट बढ़ रहे हैं उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बात कर लें सबसे बड़ा सवाल कौन सा आता है, जो लोग ओमान से छुट्टी लेके इंडिया में आए थे, ठीक है, और भाई ये मान लीजिए मार्च से मैटर खत्म हुआ था और ये 9 महीना चल गया, तो भाई महीना तो कितना हो गए, 5-6 महीने तो हो गए, और 6 महीने से ज़्यादा आप रह नहीं सकते, आपको सबको पता है। तो लगभग जो लोग आए थे मार्च के, जनवरी फरवरी में आए थे, उनका तो बहुत लंबा टाइम गया, उनके तो 10-11 महीने हो गए, उनका तो वीज़ा भी एक्सपायर हो गया, समझ गए। अब जिनके वीज़ा एक्सपायर हो गए उनका कुछ भी नहीं होगा भाई, अभी तक के जो ऑप्शन निकल के आ रहे हैं ये ऑप्शन उन्हीं लोगों के लिए हैं जिनके वीज़ा में पासपोर्ट वीज़ा वैलिड है, पासपोर्ट में छुट्टी एक्सपायर हो गई 6 महीना कोई भी मैटर नहीं है, लेकिन वीज़ा होना चाहिए। जैसे वीज़ा आप जब आए थे 8 महीने थे, 9 महीने, 10 महीने आपके वीज़ा का टाइम था, आपने प्लान किया भी छुट्टी काट के वापस जाके वीज़ा लगवा लेंगे, अभी कोरोना के मैटर में फंस गए, मार्च के बाद में हो गए 6 महीने, तो समझ रहे हो बात को, तो 6 महीने का टाइम पूरा था, अभी थोड़ा बहुत लोगों के टाइम वीज़ा में बचा है, तो भाई आपको जा सकते हो, आपका 6 महीने का टाइम एक्सपायर हो गया, कोई वैलिड नहीं है, लेकिन आपका वीज़ा होना चाहिए। इसके लिए आपको करना क्या है मैं डिटेल से बता देता हूँ। आपको आरओपी से परमिशन लेनी पड़ेगी। जी हाँ साथियों, रॉयल पुलिस ओमान है, वहाँ से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं बता दूँ आपको। आपके पासपोर्ट की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, वीज़ा की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, आपका रेजिडेंशियल कार्ड जो आप जहाँ रह रहे हैं उसका कॉपी आप, इसमें एड्रेस मांगा गया है। एचआर आपके जो एडमिन है, आपकी कंपनी के मालिक हैं, उनके भी सिग्नेचर उसमें अथॉरिटी फॉर्म में होने चाहिए। 14 दिन का क्वारंटाइन का इसमें भी साथ में ऐड दिया गया, अगर आप वहाँ पे जाते हो तो 14 दिन आपको क्वारंटाइन रहना है, जो आपका खर्चा होगा। जी ये जो फॉर्म में अटैच करके पूरा का पूरा सिस्टम पता है आपको नहीं करना, आप तो इंडिया में बैठे हैं, आप कैसे करोगे? ये पूरा काम करेगी आपका नियुक्ता, आपकी कंपनी, आपका मालिक, जिसके पास आप काम करते हो उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो आपको बुलाना चाहता है तो ये पूरा प्रोसेस उसको करके वहाँ पे जमा करवाना होगा, अपनी आईडी प्रूफ के साथ में, अपने सिग्नेचर करने के साथ आरओपी में वो खुद जमा करवाएगा वहाँ पे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप तो उनके टच में रहें। दूसरी बात, आपके ये डॉक्यूमेंट हैं, आपके डॉक्यूमेंट तो उनके पास रहेंगे ना, नहीं है तो आप उनको मेल करें, जो भी है आप अपने कंपनी के मालिक के थ्रू, आपका जो भी मालिक है वो ये प्रोसेस करेगा। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे। और जो वीज़ा एक्सपायर हो गए भाई, जिसके वीज़ा में 8-9 महीने का टाइम था वो ख़त्म हो चुका है, उनका अभी तक कोई अपडेट आया नहीं है, जैसे कोई अपडेट आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बस आज की जानकारी यही थी साथी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।